बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वह रोज़ सुबह गांव के समीप स्थित जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। इस तरह उसकी और उसके परिवार की गुजर बसर चल रही थी। एक दिन वह जंगल में नदी के किनारे लगे एक पेड़ की लकड़ियाँ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी गहरी थी, जिसमें उतरकर कुल्हाड़ी निकाल पाना लकड़हारे की संभव नहीं थी। लकड़हारे के पास एक ही कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी के नदी में गिर जाने के बाद वह बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अब वह अपनी जीविका कैसे चलाएगा। उसके पास जीविका चलाने के लिए कोई और साधन नहीं था। वह दुखी होकर नदी के किनारे खड़ा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए। लकड़हारे की सच्चे मन की कही गई प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उससे पूछा, पुत्र तुम्हें क्या समस्या है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी नदी में गिरने की बात भगवान से बता दी और यह याचना की उसकी कुल्हाड़ी वापस दिला दे। उसकी याचना सुनकर भगवान ने नदी के पानी में हाथ डालकर एक कुल्हाड़ी बाहर निकाली। वह कुल्हाड़ी चांदी की थी। भगवान ने लकड़हारे से पूछा, पुत्र क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने पुनः अपना हाथ डालकर इस बार उन्होंने कुल्हाड़ी निकाली, वह सोने की थी। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, पुत्र यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान बोले, इसे अच्छी तरह देख लो, यह सोने की कुल्हाड़ी है, यह वास्तविक में तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। नहीं भगवान, लकड़हारा बोला, सोने की कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ नहीं काटती, यह मेरे किसी काम की नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। इस बार कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया और बोला, भगवान यह मेरी कुल्हाड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत अत्यंत प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम्हें लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूँ। यह कहकर भगवान चले जाते हैं। लकड़हारा अपनी ईमानदारी के कारण प्रपुत्र हुआ। इससे हम लोग को यह सीख मिलती है कि सदा हम लोग को ईमानदार रहना चाहिए।